बिसम राह तो वी आर डूइंग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम डेरिवेटिव में फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे एफ़ आर ए फ्रा फॉर रेड एग्रीमेंट जब होगा उसमें हमने बेसिक बात किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ टाइम के बाद लोन लेना है और आपको रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट्स कुछ डिफर मटीरियली तो उसके लिए आप सेफ गार्ड करते हैं तो वी डिस्कस द बेसिक्स ऑफ इट अब हम इसकी थोड़ी सी एलिस्ट्रेशन और डेटा के साथ इसको देखेंगे फ्रा मार्केट्स ऑफ मनी मार्किट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर ट्रेडेड बाई बोथ बैंक्स एंड कॉरपोरेशन ये नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस पर ज़्यादा डील कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर द मेन बेनिफिशरी एज वेल एज द यूजर प्रा मार्केट इज़ लिक्विड इन ऑल मेजर करेंसीज की ज़्यादा डिवेलप मार्केट है और इसमें एक्टिवली काम हो रहा होता है प्रा नोटेशन एंड कोटिंग ऑफ प्रा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए हमने इफ़ यू कैन रिकॉल हमने बात की थी कि हमने तीन महीने बाद छः महीने के लिए लोन लेना है तो अब इसमें हमने कहा था दो पीरियड आ गए एक आपका वेटिंग पीरियड एंड देन यू हैव द रिमेनिंग पीरियड तो ये कैसे शो होते हैं ये शो होते हैं लाइक टू इंटू सिक्स टू इंटू सिक्स का मतलब क्या है हैविंग टू मंथ्स वेटिंग पीरियड एंड फोर मंथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यानी कि दो महीने बाद हमें चार महीने का लेना है जो पहले वाली एग्जाम्पल थी उसमें तो तीन महीने बाद हमने छः महीने का लेना था तो वो होगा थ्री इंटू नाइन जो पहला नोटेशन होता है दैट इज द वेटिंग पीरियड एंड सेकेंड नोटेशन इज द होल पीरियड नॉट द रिमेनिंग पीरियड द होल पीरियड तो जैसे सिक्स इंटू ट्रा क्या होगा कि सिक्स मंथ के बाद मुझे सिक्स मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दिस इज हाउ इट रिलेट कोटेशन ऑफ फॉर एग्रीमेंट फ्रा आर कोटेड विद फ्रेट दस इफ अ फ्रा टू इंटू एट इन यू एस डॉलर कोट्स एट वन पॉइंट फाइव परसेंट तो इसके साथ इनके क्योंकि डेफिनेटली रेट से लिंक्ड है तो इसके साथ रेट भी लिखा जाएगा टू इंटू एट का मतलब आप बताएं क्या होगा कि दो महीने बाद हमने आठ महीने के लिए लेना है नो no. दो महीने बाद हमने छ महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जाना है यूजेज ऑफ फ्रा एंड फ्रा कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज मेनली जो उसका पर्पज़ है वो तो हैजिंग जैसे कि अभी हमने बात की है इट कैन यूज मार्केट पार्टिसिपेंट टू हैज फ्यूचर बोरिंग कि हमने फ्यूचर में कुछ बोरिंग करनी थी उसको हैज करने के लिए हम फ्राम में जाएंगे बट देर कुड बी सम अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल जिनको हम कह रहे होते हैं कि स्पेकुलेशन या स्पेकुलेटर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जस्ट टू मेक मनी आउट ऑफ या किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं टू मेक मनी इट कैन भी यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पज इन विच मार्केट पार्टिसिपेंट वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट हम लोगों का लग रहा है कि जी इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा सिमिलर रहेगा तो वी कैन एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक मनी दैट इज अनदर इंटेंशन बट मेनली टूल इज फॉर हैजिंग एग्जाम्पल को जरा हम समझ लेते हैं कॉरपोरेशन लर्न लर्न दैट इट नीड टू बोरो वन मिलियन डॉलर इन सिक्स मंथ टाइम फॉर सिक्स मंथ पीरियड तो इसका मतलब है अभी के तुम हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में गए तो वो तुम्हारा फ़ायदा नहीं हो कि बोरो करना है छः महीने बाद और फिर करना छः महीने के लिए तो इसको हम नोटेशन क्या होगी सिक्स इंटू ट्वेल्व फ्रा इंट्रस्ट रेड एट विच इट कैन बोरो टूडे इज सिक्स मंथ लाइबर प्लस फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स अभी जो इनको रेट मिल रहा है वो लाइबर प्लस फिफ्टी बेसिस पॉइंट फिफ्टी बेसिस पॉइंट का मतलब है पॉइंट फाइव परसेंट हंड्रेड बेसिस पॉइंट इज नॉर्मली वन परसेंट लेट एज फर्दर सिक्स मंथ लाइबर करेंटली इज पॉइंट एट नाइन इस वक्त जो लाइबर का रेट है वो पॉइंट एट नाइन है और उनको आपने हमने देखा था कि उसके साथ एड ऑन करके पे करना है फिफ्टी बेसिस पॉइंट बट दिन टो यूट थिंक इट माइट राइज़ टू एज हाई एज वन पॉइंट थ्री अभी पॉइंट नाइन है रफली और हमारा ख्याल है कि ये बढ़ के कहीं वन पॉइंट थ्री ना हो जाए अब जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व तो ये पॉइंट नाइन से जब वन पॉइंट थ्री पर जाएगा तो हमें बहुत क्वेरली इफेक्ट कर सकता है तो रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और हमें वो इम्पेक्ट करेगा तो थ्री आर चूज टू बाई अ सिक्स इंटू ट्वेल्व फ्रा इन ऑर्डर टू कवर द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ स्टार्टिंग फ्राम सिक्स मंथ्स ना ओके छः महीने बाद हम छः महीने का फ़्रा लेंगे जो कि हमें उस पर लॉक कर देगा ही रिसीव्स अ कोड फॉर पॉइंट नाइन फाइव फ्रॉम हिस बैंक एंड बाइज फ्रा फॉर अ नोशनल अमाउंट ऑफ वन मिलियन so, उसको रिस्क जो है वो खत्म करने के लिए वो क्या कर रहा है पॉइंट नाइन फाइव के फ्रा में लॉक कर रहा है अपने आप को और क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर अमाउंट से लिंक करना है तो दैट इज द नोशनल अमाउंट इज ऑफ वन मिलियन तो इस तरह ये अपने रिस्क को लॉक करेगा अब इंटरेस्ट रेट कहीं भी चला जाए इसको लॉकिंग जो है वो पॉइंट नाइन फाइव है अभी पॉइंट एट नाइन से थोड़ा सा ज्यादा तो देना पड़ रहा है लेकिन वन 1.3 1.5 वाले रिस्क से अपने आप को इसने सेव अब कुछ भी इंटरेस्टेड हो जाए इनको जो रेट पड़ेगा दैट विल बी 0.95 ठीक हो गया थैंक यू